प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह केरल पहुंचे। उन्होंने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की और उस अस्पताल का दौरा किया जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। गत 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में केरल के इस पहाड़ी जिले में 400 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा बढ़ाने की विपक्ष की मांग के बीच पीएम मोदी यहां पहुंचे थे। हवाई सर्वेक्षण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने दोपहर भूस्खलन प्रभावित गांवों का जमीनी दौरा भी किया और इसी संबंध में उन्होंने रेस्क्यू टीमों से भी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत शिविरों में गए जहां भूस्खलन से प्रभावित लोग वर्तमान में रह रहे हैं और पीएम मोदी ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियों के बारे में जाना।